श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 9वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा में जाकर संपन्न हुई, जहां पर सांसद सुशील रिंकू, विधायक शीतल अंगुराल, लाली अंगुराल की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान मदन लाल खिंदर, सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच वाइस चेयरमैन, स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल अमरनाथ, कुलदीप लक्की घई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार रूबी, जंग बहादुर जैकी, कमल डालिया लक्की, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी विमला, विष्णु कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।